हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सूफिया। आज हम बनाएंगे चना पुलाव। तो यहाँ मैंने इसके लिए लिए हैं जो काले वाले चने होते हैं वो लिए हैं, एक बाउल लिया है। और इसको 7 से 8 घंटे भिगो के इसे मैंने बॉइल्ड कर रखा है। 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं, यानी कि 300 ग्राम होंगे। और ये सैला चावल लिया है, इसको 2 घंटे से भिगो रखा है। 1 बिग साइज़ की प्याज ली है और इसको मैंने स्लाइस में बारीक काट रखा है। इसी तरीके से 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और इसको रफली चॉप्ड कर रखा है। थोड़े से हम इसके अंदर जो स्पाइसेस लेंगे, तो यहाँ मैंने 6 लिए हैं ड्राई रेड चिली, 1 टीस्पून लिया है सौंफ, 1 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया, थोड़ा सा मैंने इसमें जायफल लिया है और थोड़ा सा जावित्री। तो अगर आपके पास पाउडर हो तो 1 पिंच इसमें यूज़ कर लीजिए। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने लिया है ज़ीरा। यहाँ हम मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे बस खुशबू आने तक, और इसे कोसली ग्राउंड कर लेंगे। तो ये रोस्ट हो गया है, बस इसको हम ग्राइंड कर देते हैं। मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है दही, और इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 बादियान का फूल लिया है, 1 तेज़पत्ता है, 6 से 7 काली मिर्ची है, 1 बड़ी इलायची है, 1 हरी इलायची है, 4 लौंगे हैं और दालचीनी का टुकड़ा है। कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, यानी कि डिश का चम्मच लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और इसे हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। थोड़ी सी प्याज हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे, ये फ्राई हो गया है। बाकी इसमें साबुत गर्म मसाला जो है वो हमने इसमें डाल दिया है। तो थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए आप इसमें से निकाल लें। और इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्च, ये मैंने 4 हरी मिर्चें काट रखी है एकदम फाइन। और साथ में डाल देंगे टमाटर, जो हमने मसाला बनाया है वो इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मची बस इसमें उठा लेंगे और सारा इसके अंदर डाल देंगे। और यहीं पर इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साथ में दही। फ्राई करेंगे इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे और साथ ही में डाल देंगे यहाँ पे 1 टीस्पून नमक। बाकी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। इसको अभी हम भूनेंगे कम से कम 3 मिनट के लिए, और जिससे कि ऑयल बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, तो यहाँ पर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। आप चाहे तो बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। बासमती राइस आप यूज़ करें तो उसमें सिर्फ उसको 20 मिनट भिगोएं। ये सैला चावल है तो मैंने इसको कम से कम 2 घंटे भिगोया है। यहाँ हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहीं पर आप एक बार नमक इसमें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने 1/4 टीस्पून और डाला है, यानी कि 1/4 टीस्पून आप इसमें नमक डालिए। पहले इसमें हम एक उबाल आने देते हैं हाई फ्लेम पर। आप देखेंगे इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है, तो जो हमने मसाला बचाया था उसको ऊपर से डाल देंगे। और इसको गैस को हम कर देंगे मीडियम से लो की तरफ। और इसे कवर करके हम कम से कम बनाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 8 मिनट के बाद आप चावल एक बार चेक कर लीजिएगा। इसको हम बिल्कुल दम पे लगा देंगे, तो जो प्याज हमने तली हुई थी वो इस पर थोड़ी स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ी सी गार्निश के लिए रोक लेते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। और इसको हम 5 मिनट एकदम सिम गैस पर दम पे लगाएंगे। 15 मिनट बाद मैंने गैस ऑफ कर दी है, तो पहले चावलों को चेक कर लीजिएगा, चावल अच्छे से गल जाए फिर हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये चना पुलाव बनके रेडी है। आप इसे दही के साथ या रायते के साथ खाएं, क्योंकि स्पाइसी ऑलरेडी बहुत है।
अब इसे खाएं और इसे एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।